मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे, खबर हो रही जालौन से। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आठवीं बार जालौन गरोठा भोगनीपुर संसदीय सीट से भानु प्रताप सिंह वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पूर्व भानु प्रताप सिंह वर्मा 7 बार लोकसभा का चुनाव इसी सीट से लड़ चुके हैं, जिसमें 5 मरतबा उन्हें जीत हासिल। इसके अलावा भानु प्रताप सिंह वर्मा सभासद व विधायक भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर उन्होंने सभासदी से जो राजनीतिक सफर शुरू किया वह 2024 की सांसद के टिकट तक लगातार जारी बना हुआ है। भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 1989 में कोश नगर पालिका के भाजपा से सभासद चुने गए और इसी दौरान जनपद के कद्दावर भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री बाबूराम एमकॉम का साथ मिला और 1991 में उस समय की सुरक्षित कोच विधानसभा से भाजपा का टिकट भानु प्रताप सिंह वर्मा को मिला। वह पहली बार में ही विधायक भी चुन लिए गए। 1996 में तत्कालीन भाजपा सांसद गयाप्रसाद कोरी के निधन के बाद उन्हें लोकसभा का पहली बार टिकट मिला। यहां भी भानु प्रताप सिंह वर्मा नेतृत्व की कसौटी पर खरे उतरे और पहली बार में ही वो सांसद बन गए। उधर स्वर्गीय बाबूराम एमकॉम दादा उरई सदर सीट से विधायक बनते रहे। दादा और भानु प्रताप सिंह वर्मा की जोड़ी लखनऊ से दिल्ली तक हिट मानी जाती रही। 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ तो भानु प्रताप सिंह वर्मा ने लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। हालांकि इसके बाद 1999 के हुए लोकसभा चुनाव में वर्तमान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी व उस समय तत्कालीन बसपा के प्रत्याशी रहे ब्रजलाल खाबरी से मामूली अंतर से वह चुनाव हार गए। इसके बाद फिर 2004 में नेतृत्व ने उन्हीं पर भरोसा कायम रखा तो उन्होंने तीसरी बार भी जीत दर्ज की। इसके बाद सन 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भानु प्रताप सिंह वर्मा दूसरी बार वर्तमान में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर घनश्याम अनुरागी एवं तत्कालीन सपा के प्रत्याशी रहे घनश्याम अनुरागी से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने सन 2014 व 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया और उन्होंने दोनों बार प्रचंड मोदी लहर में शानदार रिकॉर्ड जीत दर्ज की। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भानु प्रताप सिंह वर्मा को भाजपा पार्टी ने पहली लिस्ट में उन्हें 8वीं बार टिकट देकर फिर से उन पर भरोसा जताया है। भानु प्रताप सिंह वर्मा के टिकट मिलने पर आज देर शाम सैकड़ों भाजपा नेताओं ने जिले में मिठाई बांटकर व गोले दाग कर अपनी खुशी का इजहार किया। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट।